नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनबॉक्सिंग गैजेट। चलिए हम बताते हैं कि इसमें मोटोरोला हॉनर पैड एड में स्पीकर कैसा है। स्पीकर का टेस्ट हम कराते हैं। इसके पहले हम हॉनर पैड एड का हम अनबॉक्सिंग कर चुके हैं। उसमें हॉनर पैड एड में जो जो स्पेसिफिकेशन है और जो उसका अनबॉक्सिंग है वो कर चुके हैं। आप वीडियो में नए हैं तो वहाँ पर चले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो अनबॉक्सिंग गैजेट एंड टेक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। और इसमें चलिए हॉनर पैड में क्या क्या मतलब कि स्पीकर से कैसा टेस्ट है इसको हम करा के दिखाते हैं कि क्या टेस्ट है। हॉनर पैड 8 में पहली बात तो इसमें डॉल्बी एटमॉस साउंड मिलता है। इसमें 6 स्पीकर है, 2 अपर साइड स्पीकर है और नीचे बॉटम साइड 2 स्पीकर है और कम से कम 8 स्पीकर इसमें मिलते हैं। ये पहला ऐसा टैब है, अच्छा स्पीकर है, स्पीकर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसमें। इसका कंपैरिजन हम कर चुके हैं वीडियो में, उसको भी देख सकते हैं आप, हॉनर पैड और जियो मोटोरोला G62। चलिए स्पीकर टेस्ट हम कराते हैं कि स्पीकर का क्वालिटी कैसी है। चलिए NCS का सॉन्ग लगा देते हैं। NCS के सॉन्ग में बताते हैं कि चेक करते हैं कि कैसा है इसका साउंड आउटपुट कैसा है। वैसे डॉल्बी एडवांस साउंड है तो साउंड आउटपुट काफ़ी अच्छा है। चलिए अभी हम कम पे किए, अभी ऐड चल रहा है। ये कम पे है, चलिए फुल पे करते हैं। फुल पे करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा साउंड, क्योंकि इसका काफ़ी ब्लास्टिंग वाला साउंड है, इसलिए हम थोड़ा ही करते हैं। अरे है तो यहाँ पर साउंड कर चुके हैं, नीचे साउंड करेंगे, ऊपर साउंड करेंगे तो काफ़ी फुल हो जाएगा। फुल साउंड पे कर दे, चलो चलो साउंड आप चेक कर लीजिए कैसा है इसका साउंड। चलिए दूसरा साउंड सुनाते हैं क्या है। सब ऐड पता कहाँ से आया आपको तो। चलिए साउंड सुन ली, इसका स्पीकर की क्वालिटी समझ में आ गई होगी कैसे है स्पीकर इसका। स्पीकर हमारे ख्याल से इसका मोटोरोला टाइप से ज़्यादा अच्छा है, तो मोटोरोला टाइप के अलावा इसका इसका यूज़ करिए तो काफ़ी अच्छा है। हॉनर पैड एट का स्पीकर काफ़ी अच्छा है। इसमें स्पीकर कम 8 स्पीकर मिलता है, जबकि मोटो टाइप में कम है। उसका हम डिफरेंस बता चुके हैं, वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए नेक्स्ट अनबॉक्सिंग एंड टेक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू।